संबल में चुनावी रंजिश में हुआ खूनी खेल। संबल में चुनावी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रंग ने लिया, जहां प्रधान चुनाव की रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में नव निर्वाचित प्रधान समर्थक को गोली लग गई। गांव में घंटों चली फायरिंग से दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद संभल के कोतवाली हयात नगर क्षेत्र के गांव करछली का है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोन पुरोया न्यूज संभल। 10 लोग थे, एक सुबेद प्रकाश ने मेरी गोली मारी है, और उसका वो राहुल और वो राजेश्वर सतीश और एक वो चंद्रकेश, ये 4-5 लोग। किस बात हुई थी? कोई विवाद नहीं, मैं इन्हें घर इनके घर इलेक्शन इलेक्शन की तरीके से। आप किसी जीते हुए के पैसे? हम जीते हुए, हमारा हम नहीं हारा। मेरा नाम बलराम सिंह है। बलराम सिंह, जिसके गोली नामी क्या नाम उनका? नीरज। क्यों गोली लगी, क्या बात आती? जो लगी है कितना चक्कर में लगी है गोली। अच्छा, किसने करा फायरिंग? प्रकाश ने मारी है। आज थाना हयात नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित गांव करछली में प्रधान के चुनाव में अपने पक्ष में वोट न दिए जाने के विवाद को लेकर गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी रहे भगवान सिंह व उसके पक्ष के सुबोध आदि के द्वारा अपने पड़ोसी युवक नीरेश पुत्र कुंवरपाल के घर पर चढ़ाई करते हुए उसके साथ मारपीट की गई तथा उसको जान से मारने की नीयत से गोली मार दी गई है। नीलेश की हालत गंभीर है, वह उसका उपचार मुरादाबाद के साई अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में नीलेश के परिजन हरबीर द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है। तहरीर के संबंध में अपराध संख्या 216/21, धारा 147, 148, 149, 452, 307 IPC दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में टीमें गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा गांव में शांति व्यवस्था हेतु फोर्स छोड़ दिया गया है। मौके पर स्थिति